निजी कंपनी के कार्यक्रम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉलेज में हुए निजी कंपनी के कार्यक्रम के खिलाफ छात्र संगठन डीएसओ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक निजी कंपनी द्वारा कॉलेज परिसर में फुहड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं इसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र संगठन डीएसओ के खिलाफ जिला कलेक्टर के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि छात्र संगठन डीएसओ को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि वे छात्रों के हित की नहीं बल्कि देश के विरोधी बात करता है। साथ ही इससे छात्र छात्राओं का भविष्य भी गर्त में जा रहा है। इसके साथ ही जो आंदोलन डीएसओ के कार्यकर्ता करते रहे हैं, उसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ता है। साथ ही धमकी भी दी गई कि यदि डीएसओ को बैन नहीं लगाया गया तो छात्र संगठन अपने स्तर पर उनसे निपटने को हर समय तैयार रहेंगे और कार्रवाई की मांग करते हैं, एवं महाविद्यालय में प्रत्येक दिन इनके प्रदर्शनों और आंदोलनों से परिसर में अराजकता का माहौल रहता है, जो हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। विद्यार्थी परिषद एवं समस्त कॉलेज के छात्रों से मांग करते हैं, श्रीमान जिलाधीश महोदय एवं श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना, विषय छात्र संगठन डीएसओ द्वारा कॉलेज में अराजकता फैलाने एवं छात्रवृत्ति गतिविधियां चलाने पर कार्रवाई करने बाबत, महोदय छात्र संगठन डीएसओ द्वारा गत दिवस 1 मार्च 2019 को कॉलेज परिसर में आयोजित हुए छात्रों के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन को अश्लील करार दिया गया। छात्र संगठन डीएसओ जो लगातार कॉलेज के अंदर देश विरोधी गतिविधि एवं छात्र विरोधी गतिविधियों को रूप देता रहता है, उसने एक और इस तरीके की छात्रों को अपमान करने वाली हरकत 1 तारीख को की गई कॉलेज परिसर में। 1 तारीख को एक छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस प्रतियोगिता में जो छात्रों ने भजन गायन करा, मिमिक्री करी, राष्ट्र के लिए कई कविताएं गाई, डांस किया, गाने गाए गए, लेकिन डीएसओ ने उस कार्यक्रम को जो बड़ी शालीनता से चल रहा था अश्लील करार दिया एवं माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर कि ये कार्यक्रम अश्लील चल रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। इस तरीके की गंदी मांग उन लोगों ने करी जो सरासर छात्र विरोधी है और छात्रों का अपमान करती है। जो छात्र और छात्राएं हमारी बहनें पिछले गत कई दिनों से कार्यक्रम के लिए तैयारियां कर रहे थे, पर जब कार्यक्रम करके वो लोग प्राइज जीत के गए तो पेपर में जब अगले दिन को पढ़ने को मिला कि ये कार्यक्रम अश्लील था, तो कितना बुरा उन लोगों के परिवार की मैसेज गया और उन लोगों को कितनी ज़्यादा अपमान का वहाँ पर सामना करना पड़ा। तो आज कॉलेज के अंदर सभी छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर एक ज्ञापन माननीय प्राचार्य महोदय के रूप से माननीय जिलाधीश महोदय को दिया गया है कि ये डीएसओ करके जो देश विरोधी और गद्दार छात्र संगठन पीजी कॉलेज के अंदर कार्यरत है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए एवं कॉलेज में जो दिन रात इनके आंदोलनों और प्रदर्शनों की वजह से कॉलेज में एक अराजकता का माहौल रहता है, सभी बच्चों की पढ़ाई बड़े रूप परेशानी उनका सामना बच्चों को करना पड़ता है, उससे भी बच्चों को यहाँ पर आगे चलने कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो सभी छात्र अपने स्तर पर संगठन का विरोध करेंगे और कॉलेज से इनको खदेड़ेंगे।